तो सही क्या है गलत क्या है पहले ये जान लो, उसके बाद जो चाहिए वो ऊपर वाले से मांग लो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश, और आज मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो में कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनका एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है वो जिसको वापस पाना चाह रहे हैं, क्या उनका ये चाहना उनका ये ऐसा सोचना सही है या गलत है, और वो सही चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या वो गलत चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए शायद उनको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो सारी बातें बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली मुझसे नहीं पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि आप जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप जिसको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, या फिर वो अगर आपका एक्स पार्टनर हो चुका है, तो क्या आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? आप सही चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लाइफ पार्टनर और एक्स पार्टनर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता है? और क्या आप इन चीजों को सही तरीके से अपनाने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है, कुछ दिनों पहले हुआ है, कुछ महीनों पहले हुआ है, कुछ साल पहले हुआ है, अगर अभी भी वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो अभी भी अनमैरिड है या किसी और के साथ कैजुअल रिलेशनशिप पे है या फिर फ्रेंडशिप पे है, तो मैं इन सब चीजों को जायज मानता हूं। लेकिन अगर आपके एक्स पार्टनर की शादी हो चुकी है या फिर आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने एक्स पार्टनर के साथ अब नहीं है, चाहे उसकी शादी हो गई हो या आपकी शादी हो गई हो, तो आप इन चीजों को करने के लिए वैलिड नहीं है। साफ तौर पे बता रहा हूं, सीधी तरीके से आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर वो किसी और जगह अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर चुका है या आप अपनी किसी भी जगह पे नई लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप अब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए या अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसको वापस लेके आए, ये बिल्कुल नाजायज चीज है, इसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। और आपको भी ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसी गलतियां आप ना करें। लोग क्या करते हैं कि उनका एक्स पार्टनर चला गया, ठीक है, उसको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता है कि अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप पे है और उसकी शादी हो चुकी है और उसका घर परिवार बस चुका है, तब भी वो लोग उसे मैनिफेस्ट करते हैं, उसे पाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो उससे कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा बहुत ज्यादा लगाव है, हम उसके बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो याद रखिएगा, आपको उस इंसान की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस इंसान की जरूरत होती तो आप आज उसके साथ होते, ना कि वो आपसे दूर होता। लेकिन आपको उस इंसान की जरूरत नहीं है, आप मिस उसको नहीं कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो उन मेमोरीज को, उस पास्ट के समय को, कि जब वो आपके साथ हुआ करता था या हुआ करती थी, और उस पास्ट के समय में आपकी कुछ अच्छी यादें थी, कुछ अच्छे पल थे जिनको आपने साथ में बिताया था। आप उस समय को वापस से पाना चाहते हो कि तब मेरी मानसिक स्थिति बड़ी सुखद हुआ करती थी, वो वक्त बहुत खुशनुमा हुआ करता था, और आप उन पास्ट मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे। तो आप उन पास्ट मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए आज भी आप अपने उस एक्स पार्टनर को ट्रेस कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, और उसको वापस पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये चीज वही लोग करें जिनका एक्स पार्टनर आज भी या तो किसी कैजुअल रिलेशनशिप पे है या तो उसकी शादी नहीं हुई। तो अगर वो लड़का है या लड़की, अगर उसकी शादी हो चुकी है, कहीं दूसरी जगह रिलेशन हो चुका है, उसका घर परिवार बस चुका है, तो आप इस चीज को ना करें। भाई आप एक बात को समझिए, एक्स पार्टनर और लाइफ पार्टनर में फर्क होता है। आपका एक्स वो है जिसके साथ आप कभी किसी रिलेशनशिप पे रहे, किसी भी तरीके की चीजों को आपने साथ में किया, कुछ एक अच्छा समय आप लोगों ने साथ में बिताया, और वो आज आपकी जिंदगी में नहीं है, वो तो हो गया आपका एक्स पार्टनर, बट अब वो किसी का लाइफ पार्टनर बन चुका है। तो आप इन सब चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको ना बाध्य कर सकते हैं और ना ही आप किसी भी तरीके से मना के बहला के या फुसला के उसको अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप उसकी जिंदगी में कतई ना जाएं, भले ही उसकी शादी नहीं हुई है। ये बात तो हो गई एक्स पार्टनर और लाइफ पार्टनर की। और सबसे बड़ी बात, इनका डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति विशेष आपको छोड़ के चला गया है, जिससे आपका रिश्ता इतने दिन के लिए बंद है, जिसके साथ आप आज हो ही नहीं, जिसको आपकी कदर नहीं, जिसको आपकी वैल्यू नहीं,
जो आपसे प्यार आज नहीं करता है, आप जी रहे हो, मर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है, तो जब उसे किसी भी तरीके से आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप क्या ऐसे व्यक्ति विशेष का या ऐसे इंसान का या ऐसे लड़के का या लड़की का अपने लाइफ में वापस आ जाने पे उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए एग्री है? खुद से ये सवाल कीजिए। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला? मैं तो केवल अपनी राय रख रहा हूं। ये फैसला आपका है। आपको क्या लगता है, आप उन पास्ट मेमोरीज में वापस जीना चाहते हैं, उस पल को वापस लाना चाहते हैं जो बीत चुका है? बीता हुआ कल कभी नहीं आता, और आने वाले कल को आप बदल सकते हो आज की एक्टिविटी से। तो आप इस बात को याद रखिए कि जिस व्यक्ति विशेष की वजह से आज आप इतना दुख में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, क्या ऐसे व्यक्ति विशेष की आपकी लाइफ में दोबारा जगह है और आप उसको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं? उसकी शादी हो चुकी है तो भी आप अपनी लाइफ में उसको वापस पाना चाहते हो? उसके साथ क्या हो रहा है? अब आप इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं। आप एक ही शर्त पे जिम्मेदार हो सकते हो, हो सकते हो। मैं कह रहा हूं ना, मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं सिर्फ एक कंडीशन पे। अगर वो लड़का है या लड़की, अगर उसकी शादी किसी और से नहीं हुई है और अगर वो किसी और रिलेशनशिप पे किसी के साथ नहीं है, अगर है तो रहने दीजिए। जब आपके साथ था तो कहता था ना, कसमें वादे खाता था ना कि ठीक है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं आपसे कभी दूर नहीं रह सकता। लेकिन वो रहा ना, अभी है ना, आपके साथ तो नहीं है। तो फिर अगर वो किसी और के साथ है तो उसे भी छोड़ के आपके पास आ सकता है, आ सकता है। लेकिन चीजें सही डायरेक्शन पे होनी चाहिए। अगर चीजें गलत डायरेक्शन पे हैं तो मैं इस किसी भी तरीके की चीजों का खंडन करता हूं। तो ये फैसला आपको लेना है कि वो आपकी लाइफ में अगर वापस आ जाता है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है या वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है और वो लाइफ में वापस आ जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति विशेष की आपकी लाइफ में जगह है? आपको दोबारा छोड़ के नहीं जाएगा, आप दोबारा दुख दर्द तकलीफ का सामना नहीं करेंगे? और अगर उसकी शादी हो चुकी है तो क्या आपका अपनी लाइफ में उसको वापस लेके आना, उन पास्ट मेमोरीज, पास्ट तो उन पास्ट की खुशियों के लिए, उस बीते समय के कुछ पलों के लिए जिनको आज आप भी याद करके अभी भी फंसे हुए हो और उसको वापस लाना चाहते हो, तो क्या ये सही है? तो क्या अब आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए? तो क्या आपकी लाइफ में केवल एक वो व्यक्ति विशेष ही खुशियां ला सकता है? क्या वो व्यक्ति विशेष इतना जरूरी है कि आप सब कुछ भूल के, सारी चीजों का खंडन करके उसको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत और प्रयास कर रहे हैं? अरे इतना मेहनत और प्रयास तो आप किसी अगले व्यक्ति के लिए कर लीजिए तो वो आपकी लाइफ को उससे ज्यादा खुशनुमा बना देगा। आप यही मेहनत अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली के लिए कर लीजिए तो शायद आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मैनिफेस्ट मत करिए या फिर आप अपने एक्स को वापस मत पाना चाहिए या मत लेके आइए, लेकिन गलतियां ना करें। और एक्स पार्टनर कौन है, किस कंडीशन में है वो एक्स पार्टनर है, और वो किसी का अगर लाइफ पार्टनर है या वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो इन बातों के लिए सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है। और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी में शायद आप इनडायरेक्ट वे पे खुशियां ला सकते हैं। आपकी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लेके क्या राय है, आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, आप चाहें ये वीडियो देखें, आप चाहें ये वीडियो देखें, आप चाहें यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।